नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चौरसिया और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सारे सवालों के जवाब। अभी की अभी मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। क्या बीएड वाले दोनों पेपर देंगे, पेपर फर्स्ट या सेकंड, ये भी हम जानेंगे। सीटेट का पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये भी आप जानेंगे। और क्या आप किस तरह इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्या इसमें कुछ सिलेबस में चेंज आया है या नहीं, क्या इसकी गाइडलाइन कुछ चेंज हुई है, सारी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो अगर अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो नोटिफिकेशन मैंने लिया हुआ आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। जो पिछले बार यहाँ पर कुछ डेट आपको लिख के आ रही थी जून की, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर 1/8/2018 से लेकर 27/8/2018, मतलब ये अभी अभी का अपडेट है, कुछ सेकंड पहले का। तो यहाँ पर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि आपको फॉर्म जो चालू होगा वो 1 तारीख से चालू होगा, 27 तारीख लास्ट डेट होगी, और जो आपकी फीस पे करने का है वो है आपके पास 30 तारीख तक, और 3/30 तक ही आप यहाँ पे फीस पे कर सकते हो। चलिए आपको रख लेता हूँ अगली जानकारी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप वीडियो को लीव ना करें क्योंकि मैं बताने वाला हूँ मोड ऑफलाइन होगा या ऑफलाइन, बिल्कुल गारंटेड आपको देखने को मिलेगा। बीएड वाले भी क्या दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, सारी गारंटेड मैं दूंगा आपको, कोई भी बदलाव नहीं मिलेंगे जो भी मैं बताऊंगा। अगर आप जो भी अप्लाई करना चाहता है सीटेट के लिए, देखो यहाँ पर कुछ स्टेप दिखाई गई है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है और ओपन करना है यहाँ पे और फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर। ध्यान रहे, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है इसे नोट डाउन कर लें। अपलोड, यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा सिग्नेचर के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे ई चालान से डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और सिंपली अपने घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे क्या इसमें कोई बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, या ये फॉर्म ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, सारा प्रूफ आपको आज दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फीस की। तो फीस क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या तो आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं ST SC OBC से, आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं तो OBC और जनरल वाले को यहाँ पे 700 रुपये देने होंगे एक फॉर्म फिल करने के लिए, 1200 रुपये देने होंगे दो फॉर्म फिल करने के लिए। और ST SC की बात करें या फिजिकल जो हैंडीकेप की हम बात करें यहाँ पर, तो उन्हें देने होंगे 350 रुपये एक फॉर्म के लिए और 600 रुपये देने होंगे उन्हें दोनों फॉर्म के लिए, अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों फिल करने के लिए एलिजिबल है। ये भी मैं बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड से, ई चालान से, ये सारा कुछ मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ अभी। चलिए आपको रख लेता हूँ आगे की इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन सबमिशन है आप कर सकते हैं सीटेट की वेबसाइट में, इसमें एक पासवर्ड जनरेट होगा, आपको बता दूँ ये पासवर्ड के बारे में बाद में बताऊँगा। वो पासवर्ड आपका लॉस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, अदरवाइज सीटेट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा अगर आपके कुछ भी प्रकार के चेंजेस दिखाई देते हैं तो। तो जब भी अगर आप सीटेट का फॉर्म फिल करने जाएं तो उस पासवर्ड को जरूर मेंशन करें और उसे नोट डाउन करके रख लें आप, ताकि आप किसी भी प्रकार की आपसे गलती ना हो पाए। और यहाँ पर हम देख लेंगे कुछ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, शेड्यूल में आपको देखो क्या देखने को मिलता है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, तो आपको ये पेपर जो सेकेंड है ये 9 बजे से लेकर 12 बजे देखने को मिलेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और पेपर जो फर्स्ट है ये 2 घंटे से लेकर सॉरी 2 बजे से लेकर 4:30 मिलेगा, ये भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। और अभी जो एग्जामिनेशन डेट है वो पेंडिंग चल रही है, जल्द ही आपको बता दी जाएगी। तो ये था शेड्यूल पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का। आगे भी हम बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन जो होगा उसके बारे में बात करेंगे, पूरी भाषाओं के बारे में आपको बताऊंगा मैं कौन कौन सी भाषाएं में यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया की हम बात करें, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की हम बात करें, तो देखने को सामने आता है कि यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब 12th क्लासेस आपको पास होनी चाहिए कम से कम 50% से, और आपके पास कोई 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो हो सकता है बीएड हो सकता है सॉरी डीएड हो सकता है आपका, BTC हो सकता है,
या इसी के कोई इक्विवेलेंट कोर्स हो अगर आपके पास तो वो हो सकते हैं। यहाँ कहीं भी बीएड मेंशन नहीं है आपको बता दूँ, और उसकी जगह में चला चल जाएगा यहाँ पे 4 साल का एक होता है बीएलएड, वो भी भर सकते हैं दोनों पेपर। जिनने बीएलएड किया होगा वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, पर डीएड वाले देंगे पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। और बीएड वाले की हम बात करें तो बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ दे पाएंगे यहाँ पे पेपर टू। देखिए आप बीएड के लिए पेपर टू फिल करने के लिए मतलब क्लास 6 to 8 भरने के लिए यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए कम से कम 50%, और आप ग्रेजुएशन अपेयरिंग भी चल सकता है यहाँ पर, अगर अपेयरिंग कर रहे हैं कंप्लीट नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। और आपके पास बीएड होना चाहिए या होना चाहिए बीएलएड। तो ये एग्जामिनेशन अगर ये सारे कोर्सेज अगर आपने किए कर रखे हैं तो आप भर सकते हैं सेकेंड पेपर। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप बीए बीएससी या तो आपके पास है बीएड या बीएससी एड भी है आपके पास, या 4 सालों का कोई भी बीएलएड है तो भी आप सेकेंड फॉर्म को फिल करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। तो आपको समझ कि ये जो पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड है ये कौन भर सकता है। और यहाँ देखिए आप यहाँ मिल जाती है आपको कुछ रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन मिलती है 5% क्वालिफाई मार्क्स की आप टू मिल जाती है। और इसमें किसे मिलती है ये एसटी एससी ओबीसी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे उन्हें 5% का मिलेगा यहाँ पर रिलैक्सेशन की। जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो मतलब जो क्वालिफाई मार्क्स रहेंगे वो 5% आपके कम होंगे जनरल से अगर हम देखें तो। आगे मैं आपको रख लेता हूँ, मेन चीजें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस होने वाले हैं एमसीक्यूज बता दूँ आपको। पेपर फर्स्ट विल बी पर्सन हु इंटेंड टू टीचर क्लास 1 to 5, जो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक का टीचर बनना चाहता है वो पेपर फर्स्ट फिल करेगा। जो 6वीं से 8वीं तक का बनना चाहता है वो पेपर सेकेंड फिल करेगा। इज दैट क्लियर? जो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल होगा, इंटेंट जिसका दोनों टीचर बनने का है वो दोनों पेपर फिल कर सकता है, पर एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखिए तो आपके पास यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी के 30 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। नया नोटिफिकेशन है बता दूँ आपको लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे सारे वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ कुछ बदलाव देखने को नहीं मिले हैं पर ऑल सेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है, सभी सेक्शन में पास होना यहाँ पर अनिवार्य है। आगे हम चले तो आपको यहाँ पर जो आपके अंदर चल रहे थे, उठ रहे थे, उमड़ रहे थे, वो सवाल आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा था कि 20 भाषाओं में परीक्षाएं कराई जाएगी, तो ये आपको स्क्रीन में 20 भाषाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो ये 20 भाषाएं आपको देखने को मिलेगी। अब आप जिस भी भाषा से भरना चाहते थे इसे आप नोट डाउन कर ले। टेलीग्राम ऐप में मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप टेलीग्राम से एजुकेशन फॉर यू से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, असम मिल जा रहा है, बंगाली मिल जा रहा है, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें। यहाँ कुछ लोग पूछ रहे थे क्या पंजाबी रहेगी, तो देखिए यहाँ पर 15वें नंबर में आपको यहाँ पंजाबी देखने को मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पे उर्दू तक है, ताइवान भी यहाँ शामिल है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत सभी, मराठी तक है यहाँ पे। तो ये सारी लैंग्वेज में आपका परीक्षा होने वाली है, 20 भाषाओं में ये परीक्षा कराई जा रही है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, इसी वजह से तो ये सारा तामझाम हुआ है। और एग्जामिनेशन डेट की मैं बात करूँ यहाँ पर, पेपर सेकंड का भी कुछ ऐसे ही है सारा कुछ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ भी देखिए पेपर सेकंड के लिए भी वही 20 भाषाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, पंजाबी भी इसमें शामिल की गई है, मणिपुरी भी, गुजराती भी शामिल की गई है। तो आपका कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इन 20 भाषाओं में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसके कोड नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे हम चले यहाँ पर तो आपकी बात करें आप क्वालिफाई मार्क्स के, तो ये कहाँ कहाँ काम आने वाला है। पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये सवाल आपके जहन में उठ रहा था, बहुत देरों से उठ रहा था, तो आपको बता दूं इसका मोड होने वाला है ऑफलाइन। कैसा होने वाला है? ऑफलाइन। और ओएमआर सीट आपको यहाँ पर मिलने वाली है आपको बता दूं मैं, और एग्जामिनेशन सेंटर आपको भी डिफरेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ आपको जो यहाँ प्रूफ कैसे दिखा दूँ कि ये पेपर ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि आप लोग बिलीव उतनी जल्दी नहीं करते हैं जब तक आपको यहाँ नहीं मिल जाता है कोई प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉपी और ओएमआर सीट आंसर की, तो जो ओएमआर सीट होगी एंड आंसर की होगी आप
एग्जामिनेशन वो क्या करेगा, डिस्प्लेट कर देगा कुछ दिनों के बाद यहाँ पर जो पब्लिक नोटिस आएगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये। तो फ्रेंड्स ये जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होने वाला है वो होगा पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा। ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर डिक्लेरेशन ही हो चुकी है कि जो पेपर होने वाला है वो कैसे होने वाला है आपका, वो ऑफलाइन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी है आई और वीडियो में मिलूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के साथ, जहां आपको सारी बातें बताई जाएगी कि किस तरह आपको तैयारी करना है क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आपको कुछ भी और सवाल है आपका तो लिख सकते हैं और जल्दी से जाकर टेलीग्राम पर जुड़िए ताकि आपको मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पर नहीं भी मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, होगा क्या ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फुल टू फुल ये सही है बिल्कुल, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें बता दूं अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं तो स्पीड पोस्ट की सहायता से आपके घर में मार्कशीट पहुंचाई जाएगी, ऐसा भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं इसको पूरा डिटेल के साथ अगर आपके पास है पूरा समय। मैंने उतना डिटेल इसलिए नहीं लिया क्योंकि उतना समय नहीं था मेरे पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए एजुकेशन फॉर यू, बढ़ाते रहिए नॉलेज और रात को 9 बजे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना ना भूलें। एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।